दिल्ली आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगे पवित्र नाम में मसीह बना रहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको जान दिया। मैं सोचता हूँ अपने इधर इतना जगह पर बारिश नहीं, बाकी इधर उधर सब बारिश है। अब देखो है, मानव प्रभु का अनुग्रह है कि मानव उधर बहुत काफ़ी अच्छा बारिश चल रहा है, लेकिन प्रभु के लोगों को आने के लिए कुछ बारिश का बहाना कुछ नहीं दे पाया। प्रभु ने अनुकूल परिस्थिति भी बना कर दिया है ना। प्रभु हमारे साथ कितना काम करता है ना। कई लोग बारिश को देख करके रुक सकता है, इसलिए प्रभु ने अभी यहाँ पर बारिश नहीं भेजा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु हर एक बातों में हमारा कमजोरी जान करके हमारे लिए काम करता है, एक बड़ी बात है। तो भी हम कहा प्रभु को सम्मान करता है, प्रभु को मानने में हम कहा तक उत्साही है। हम लोग मतलब कल एक विषय पर देख रहा था कि हमें हर रोज प्रभु की इच्छा मालूम करना है ना। देखो परमेश्वर ने सारा सृष्टि मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, कितना बड़ी बात है, है? परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को प्रभु ने अपने लिए बनाया। और इन सारे बातों से बढ़कर अभी मंडली जीवन कितना खास जीवन है। मंडली विशेष प्रभु का उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड है एकलिसिया। एकलिसिया क्या है? प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड है। ऐसा है तो हमें प्रभु की इच्छा जानने में कितना उत्साही बनना चाहिए। एक बार फिलिपियों का पत्र लिखने के टाइम पर प्रभु का दास एक बात याद दिलाता है, फिलिपियों का पत्री में दूसरा अध्याय का 21 वचन आपको याद होगा। हाँ देखा, सब लोग क्या करता, अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। प्रियो हम प्रभु में आने के बाद में, मैं उद्धार पाया हुआ प्रभु का जन करके कहने के बाद यदि अभी भी और अपने स्वार्थ में है तो कितना दुख भरा बात है ना, कितना दुख भरा बात है। हम लोग मतलब प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु को प्रसन्न करने में कितना लवली होना चाहिए, पर हम लोग एकदम प्रभु के आगमन का निकटता में पहुंचा हुए लोग हैं। हमारे लिए समय का गौरव जान करके प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारे कितना बड़ा जिम्मेवारी है, लेकिन तभी भी हम ऐसा करता है क्या? आप सोचो है, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें इतना एक मतलब एक अच्छा प्रभु में पढ़ने के लिए लायक कार्य प्रबंध सब प्रभु ने किया है ना। आपको मालूम है जब न्यायियों के किताब में दो बार एक खास बात लिखा है, जब वहां पर राजा नहीं था, लोग अपना अपना मनमानी में जीवन बिताए, मतलब उनको अगवा करने वाला नहीं था ना। न्यायियों के किताब में आपको मालूम है उसका 17:6 में, न्यायियों के किताब है जज न्यायियों, उसका 17:6 था। देखा, जिनको जो मतलब अच्छा ठीक देख पड़ता वो काम करता, मतलब क्या है कि एक प्रकार मनमानी करता। उस समय का भी अवस्था कोई बात है उसका 21:25 में, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। देखा, अभी मनुष्य का दृष्टि में जितना भी अच्छा ठीक पड़ेगा तो भी आखिर में क्या मिलेगा, मृत्यु है ना। निधि वचन 14:12 में 16:25 में दोनों जगह पर क्या बोला, मनुष्य को एक मार्ग अच्छा देख पड़ेगा या ठीक लगेगा, लेकिन आखिर में क्या है, मृत्यु मिलेगा। मतलब क्या है कि हमें प्रभु का प्रबंध होना कितना जरूरी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आज मंडली का प्रबंध किया है, जगह जगह में प्रभु के लोगों को उन्नति होने के लिए मसीह की संत के बढ़ने के लिए प्रभु ने मंडली का प्रबंध किया। मंडली में प्रभु ने अगुवाओं को नियुक्त किया, अगुवाओं के द्वारा हमें प्रभु चलाता है। इसलिए जब इब्रानियों का पत्र आपको याद होगा उसका 13 में उसका 17 इब्रानियों उसका 13 का 17 अपने मैंने उनके अधीन रहना, उनकी बात मानना है ना, बहुत बड़ी बात है ना। आजकल क्या हो गया, आजकल लोग सब लोग बहुत होशियार बन गया है, अगुवाओं को भी मानने का कोई जरूरत नहीं समझता है ना। बहुत बड़ा दुखदायक बात है प्रियो, ऐसा कभी ना हो प्रियो। जो भी प्रबंध प्रभु का वचन में जो बताया है वो बातों को हमें मानना ये हमारे कर्तव्य है ना।
हम कभी भी अपना मनमानी हम ना करें। जरूर प्रभु ने मंडली जीवन में हमें लाया है, तो मंडली में प्रभु ने अगुवाओं को दीन किया है, तो अगुवाओं का मानना, उनका अधीन रहना, वो दो शब्द वापस एक शुरुआत पढ़ना, अगुवाओं का आज्ञा मानो, बस बस उनके अधीन रहो, देखा उनके अधीन रहना है। अगर प्रभु का नियुक्त किया हुआ अगुआ है तो उनकी बात को मानना भी, उनका अधीन रहना भी है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने प्रभु का नासिक मंडली में प्रभु ने आज तक ऐसा महान कार्य करते हुए आज तक जगाया है ना। आगे भी अपन एक मन होकर के है ना, कभी भी कोई थोड़ा भी है एक दूसरे को ठोकर खाने वाला कोई भी विषय ना रखते हुए एक दूसरे के लिए एक आदर्श बनकर प्रोत्साहन बनकर है ना, हम एक दूसरे को प्रभु में बनाने का काम करना, क्योंकि हम एकदम आखिरी आखिरी क्षणों में पहुंच गया है ना। और एक संगति प्रभु ने दुनिया में हमको दिया है, उसके द्वारा उसमें भी हमें प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहने के लिए एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हम लोगों ने कल हम लोग देखा था परमेश्वर बोलता है क्या भला है, अच्छी बात क्या है, प्रभु हमें बताता है, हमको मालूम नहीं, अभी हमारा समझ के अनुसार हम अच्छा बात चुनता है। मैंने कई बार आपको बताया, एक बच्चे को एक आइसक्रीम दिलाओ मैंने दिखाओ और मानो 1,00,000 रुपया का एक चेक दिखाओ, बच्चों को पूछो तुझे क्या चाहिए, उसका पसंद क्या है, आइसक्रीम। बच्चा है उसको आइसक्रीम देख लिया तो बोलेगा वो कागज का टुकड़ा मुझे क्या करने का, अरे तुमको हजारों आइसक्रीम खाने का पैसा है वो, लेकिन उसको मालूम नहीं, वो बोलता है मुझे आइसक्रीम चाहिए। ऐसा है हमारे बीच में भी कई बार हम लोग आनंददा का प्रकाश नहीं मिला, अनंत जीवन का प्रकाश नहीं मिला, तो फिर हम क्या सोचता है इस जीवन में जो भी अपने को मतलब अच्छा लगता है वो बात को हम चुने, और उस बात को चुनने से हम शायद उस आनंददा को नष्ट कर रहे हैं, उस आनंदगार का आशीष को खुशी को हम खो रहे हैं, ये बात को हमें जानना चाहिए। इसलिए प्रभु जो कहता है वो सबसे अच्छी बात है। देखो अभी प्रभु को हमारी चिंता है, प्रभु ने हमको बनाने से पहले हमें पीढ़ी पीढ़ियों के लिए जो भी चाहिए वो सब प्रभु ने बना करके हमको बनाया, मनुष्य को बनाया और प्रभु के लिए बनाया। अभी भी प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ा उद्देश्य है, हमें वो उद्देश्य जानना है। इसलिए प्रभु जो मांग करता है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ करके ध्यान करके आया होगा। अब वो वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, मानव अनुवाद व्यवस्था विनय उसका 10 अध्याय का 12-13 वचन। देखा प्रभु आपसे क्या चाहता है, अभी प्रभु चाहने वाला बात बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अभी आप देखिए प्रभु का दिल खोल कर रखा है, प्रभु हमारे सामने अपना दिल खोल करके हमसे कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ बात मांग रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ देखो अगली बात है ना, प्रभु का भय मानना नंबर वन बात। आप लोगों को मैंने बोला था उस भजन में 5 बात प्रभु मांगता है, कितना बात, 5 बात। आप लोगों ने ध्यान किया होगा, कई लोगों ने ध्यान जरूर किया होगा। तो पहले बात प्रभु का भय मानना, दूसरा पॉइंट और उसके सारे मार्गों पर चलना। हाँ देखा प्रभु के सारे मार्गों पर चलना, आप देखिए प्रभु उसका मार्ग अपने भक्तों को बताता है, मोशे को प्रभु ने अपना मार्ग बताया, हमें प्रभु का मार्ग अच्छा लगना चाहिए। आज प्रभु का मार्ग बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम थोड़ा ध्यान करेंगे। और तीसरा पॉइंट उसे प्रेम देखना, प्रियो प्रभु को जो प्रेम देना है वो प्रेम हम किसी को नहीं देना, हमें प्रभु को जो प्रेम देना है वो प्रेम हम किसी को नहीं बांटना, ऐसे है तो प्रभु को बहुत दुख हो जाएगा। उसे प्रेम करें और आगे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। कैसे सेवा करना, पूरे तन मन से, पूरे तन मन से। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको मालूम है एक संगति में आना भी एक सेवा है, गीत गाना भी एक सेवा है, संदेश देना भी एक सेवा है, रख किसी को प्रोत्साहन देना भी एक सेवा है, वो सेवा है प्रभु। वो सेवा कैसे करना, तन मन से करना या पूरा दिल से, पूरे मन से ना, हम लोग ये काम तन मन से करना, 4 बात हो गया। अभी आखिरी और ये हुआ कि जो 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 आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, मतलब उस आज्ञाओं को माने, प्रभु ने जो भी विधि या आज्ञा दिया है वो बातों को माने। इसका मतलब प्रभु का कोई भी आज्ञा भारी है क्या, नहीं।
कई बार लोग बोलता है पहला जमाना आज तीर में लिखा है प्रभु का कोई भी आ गया भारी नहीं, कठिन नहीं, भारी नहीं। प्रभु ने ऐसे कोई भारी बात हमको बताया नहीं प्रियो, प्रभु का हरेक बात बहुत सरल है ना। इसके लिए अभी हमको यहां पर जो प्रभु ने जो बोला हुआ ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु के लोग समझता है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। पहली बात हमने यहां पर देखा, प्रभु बोलता है कि यहोवा का भय मानना, ये प्रभु हमको चाहने हमसे चाहने वाली एक बात है। आज पवित्र लोगों को नष्ट हुआ हुआ एक बात है प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय नहीं प्रियो, जब प्रभु का भय जहां पर नहीं है ना वो बात बिगड़ जाते हैं। आज भी हमको ये बात को परखना है, प्रभु का भय मुझ में है क्या है, प्रभु का भय मुझ में है क्या। आपको मन में कई कंपनी में होता है मतलब तीन दिन कंटिन्यूस ऑप्शन रहा तो उनको नौकरी से निकाल देगा, हाँ मतलब आउट, नहीं तो ऐसा किस्म चाहिए। आप देखो फिर वहां पर क्या होता है कि वो नियम के कारण लोग डर जाते हैं, कितना भी तकलीफ में तो भी फिर जाता है, पर तो कोई नियम नहीं कोई व्यवस्था नहीं फिर तो लोग भी मनमानी करता, ऐसा नहीं है नहीं। अभी हम प्रभु में है तो प्रभु का भय मानना ये बहुत जरूरी बात है। प्रभु का ये माना हमेशा प्रभु ने चुना हुआ इसराइल को भी बार बार बोला हुआ एक बात है, अब याद होगा वही अनुवाद की किताब में ही है 4:10 पर ना माना अनुवाद 4:10। हाँ पढ़ लो पढ़ लो ना, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। हाँ देखा, मतलब हम स्वयं भय मानना और अपने बाल बच्चों को भी प्रभु का भय मानना सिखाना। देखिए प्रभु का भय मानना सबको मिल गया ना, वो पूरा भजन पढ़ने से भी कोई गलती नहीं कि वो उसका आखिरी भाग पढ़ा, ठीक है अच्छा बात है। तो अभी यहां पर भी बात क्या है कि हम प्रभु का स्वयं भय माने और अपने बच्चों को बाल बच्चों को भी वो बात सिखाए। क्या बात, प्रभु का भय मानना सिखाए। हरेक बातों में प्रभु का भय मानने वाला एक गुण चाहिए, वही बात को फिर प्रभु बार बार दोहराता है, इसको मतलब प्रभु के दिल में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा भलाई की बात है हमारे लिए हमारे पीढ़ियों के लिए, ये जरूरतमंद बात है और उसमें बहुत आशीष छिपा हुआ है। इसलिए उसका 5:29 भी पढ़ना, देखा उनकी और उनका वंश का भी सदैव भला होते रहेगा। अभी आप देखो है इसका मतलब हमें हमारा और पीढ़ियों का भी सदैव भला होने वाला बात है प्रभु को भय मानना। अभी भी आप देखो भैया, अभी भी हम प्रभु को उसी में बैठा ना, प्रभु का भय है क्या, क्योंकि अभी यहां पर वो प्रभु है जो प्रभु हमारे पूरे जिंदगी को जानता है, जो प्रभु हमारा मन की विचारों को भावनाओं को सब कुछ जानता है, उस प्रभु को कैसे भय मानना। अब देखिए हमारे विचारों में तक प्रभु का भय राज करना चाहिए है, हमारे इच्छाओं में प्रभु का भय राज करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लिए अनेक केवल हो गए। अब देखो प्रियो ये प्रभु का भय मानने का अर्थ मैंने आपको बोला, हमारा कोई ऐसा कोई छोटा सा भी विषय से विचार में तक प्रभु को दुख देने वाला बात हमारे दिल में आने नहीं देना, उसमें हमको भारी दुख होना चाहिए। नहीं समझा, प्रभु का भय मानना इसका मतलब मेरे से प्रभु का दिल को किसी कारण दुख ना हो, वो बहुत बड़ी बात है प्रभु का भय मानने में। क्योंकि ऐसे लोगों पर आपको याद होगा कि वो 147 भजन संगीता उसका 11 भजन में मतलब क्या बोला, प्रभु का भय मानने वालों के प्रति प्रभु को प्रसन्नता है। क्या होता, देखा प्रभु की भय मानने वालों से प्रभु को प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता होता है। आप देखो भैया प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, इसका मतलब अपन कहां तक प्रभु का भय मानता है वो व्यक्ति अपना हरेक बातों में सावधान रहेगा, अपना बातचीत में सावधान रहेगा, अपनी चाल चलन में सावधान रहेगा, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता है ना। फिर एक बात है, प्रभु का भय मानने वालों को एक अच्छा शांति का जीवन होना चाहिए ना, एक अनुग्रह का जीवन होना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि प्रभु का भय मानने से
उसके लिए उनका पीढ़ियों के लिए आशीष मिलेगा, है ना। और तो प्रभु का भाई मानने के बाद में कभी कभी बहुत उल्टा इन्हीं में हमारा जो समझ में नहीं आता ऐसा भी बात आ जाता है, ऐसा तकलीफ आ जाता है। प्रभु का भाई इतना मानता है और तो जीवन में तकलीफ आता, प्रभु भाई मान करके जीने वालों को तकलीफ नहीं आना चाहिए ना, तकलीफ नहीं आना चाहिए करके हम सोचता है, परंतु तकलीफ भी आता है, प्रभु का भाई भी मानता है फिर तकलीफ भी आता है, फिर भाई मानने से क्या फायदा, ऐसे हमको नहीं कहना। नंबर वन एग्जाम्पल मैंने उत्पत्ति की किताब में जोसफ का जीवन, जोसफ के जीवन में जोसफ प्रभु का भाई मानता था ना, उसका 39 का नाउ लेता है।
वो विपत्ति में पड़ता है। देखा, वो विपत्ति में पड़ेगा, इसका भले क्या करना, मन कठोर नहीं करना भैया। हम लोग इतना तो सरल जा रहे हूं। आज मुझे प्रभु का भय मानने वाला एक दिल है क्या? है मुझ में प्रभु का भय है क्या? सच में मेरे जीवन से मैं हमेशा प्रभु का महिमा होता रहना चाहिए, उस कार्य में मैं काम करता है क्या? हर एक बात में परखना, प्रभु का भय हमारे जीवन में कार्य करना। प्रभु का भय रखते हुए आपको याद होगा हमारा दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 12 वचन, पवित्र लोगों के लिए पवित्र होने के लिए शक्त चेतावनी है। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 12 वचन, प्रभु का भय रखते हुए, देखा प्रभु का भय रखते हुए प्रियो, तभी वो मानव काम बन सकता है हमारे जीवन में, तभी हम प्रभु चाहने वाला वो लेवल पे पहुंच सकता है। तो आज एक बहुत बड़ा धोखा है ना, कई बार हम बाइबल भी पढ़ता है, वजन सुनता है, उस समय में हमारे जीवन में ऐसा प्रभु का भय होना चाहिए। वो भय भक्ति के साथ वो कार्य नहीं करता, हमें ऐसे करना चाहिए प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला वो गुण चाहिए। आज हमें परखना है कि प्रभु का, प्रभु मेरे में वो आपका भय मानने वाला, ऐसा आपका दिल में ऐसा नहीं है तो हमें प्रार्थना करना। मैंने आपको कई बार बोला है, मानो दाविद 11 वचन में है ना, वो बोलता है हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पे चलूंगा, मुझको एक चिंता कर तो मैं तेरे नाम का भय मानूंगा। हाँ देखा देखा, मेरा हृदय को तेरी ओर एकाग्रत करके तेरा भय मानने वाला एक दिल मुझको दे, एक प्रार्थना है प्रभु से, एक प्रार्थना है प्रियो, हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। ऐसा एक दिल अगर हमने प्राप्त किया, मैं आपको बोलता हूं हमारा मसीह जीवन बहुत धन्य बना, बहुत धन्य बना। तो प्रभु चाहता है हम प्रभु का भय माने, लेकिन हम प्रभु का भय नहीं मानता। प्रभु का भय मानने वालों का जीवन कितना आदर्शमय जीवन रहेगा, बहुत कम लोग है जो प्रभु का भय मानते थे, है ना, वो लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा हुआ। अभी उन भक्तों का लिस्ट में भी नहीं जाएगा। तो पहली बात प्रभु हमसे डिमांड करने की बात है, हम प्रभु का भय माने। भाई हमें ये बात को पढ़कर देखना है, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु का भय मानने वाला एक दिल मेरा है क्या? दूसरी बात प्रभु ने क्या बोला, प्रभु का मार्ग में चलना, मतलब प्रभु का मार्ग हमको अच्छा लगना। देखिए बहुत बड़ी बात है ना, पुराने नियम में भी प्रभु वो बात को समझाता था, प्रभु का मार्ग, प्रभु का मार्ग हम जानना और उसको मानना हमारे कर्तव्य है। जब दाविद परमेश्वर का दिल का जैसा दाविद कैसे बना, प्रभु का मार्ग जाना, वो हर एक बात में प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं करूं या ना करूं। वो उसने गवाही इसलिए दिया ना, 17 भजन संगीता उसका 5 वचन, मेरे पांव तेरे पदों पे स्थिर रहे। हाँ देखा, मेरा पांव तेरे पदों पर। हाँ देखा कितना अनोखा बात है, तेरा मार्गों में है, प्रभु के मार्गों में स्थिर रहा और आगे फिसले नहीं, फिसले नहीं। हम लोग देखेगा तो कितनी बार फिसल गया, कितनी बार फिसल गया होगा भैया, फिसला है कि नहीं? हम अपने गलती भी कबूल नहीं करेगा, कितना भी बड़ा गलती करेगा तो भी नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा बोलने के लिए स्वभाव है, ऐसे नहीं प्रियो, सच बोलो, फिसल गया, बहुत बातों में फिसल गया, बहुत बातों में हम बना नहीं रहा, प्रभु के मार्ग में बना नहीं रहा, है ना। तो कौरव पुत्र लोग भी उनका भजन संगीता में वो कहता है, उसका 44 भजन संगीता कौरव पुत्रों का है, है? वो उसका 19 वचन पढ़ना, 18 वचन पढ़ना, 18 हमारे मन न भर गए, न हमारे पैर तेरे राह से मुड़े। देखा तेरे पांव तेरे राह से ना मुड़े, ना मुड़े। हाँ देखा तेरे राह से ना मुड़ा, 18 वचन है, 18 वचन का आखिरी बात, तेरी राह से नहीं मुड़ा हमारे पांव प्रभु, हम तेरी राह पर चला प्रियो, बुलावट पाया हुआ अनेक लोग प्रभु की राह पर चलना है प्रियो, प्रभु का मार्ग से बढ़कर के कोई अच्छा मार्ग है क्या? नहीं है ना, प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है। हम लोग हमेशा ये टेढ़ा मार्ग में चलते हुए बहुत मन चल करके जिंदगी बिगाड़ा, प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है,
प्रभु का मार्ग हमको अच्छा लेना चाहिए। आज प्रभु का मार्ग हमें अच्छा लगता है क्या? प्रभु बुलाया हुआ प्रथम राजा शाऊल है ना, शाऊल को प्रभु ने एक मार्ग में भेजा, परंतु शाऊल वो मार्ग में नहीं चला। आप देखो कितना बड़ा दुख है। इसलिए क्या हो गया, प्रभु का मार्ग में चुने हुए लोग अगर नहीं चलेगा तो प्रभु को बहुत दुख होता है। वो व्यक्ति को दुख नहीं, प्रभु को दुख है ना। जब वो पहला शामूल में 15 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना, पहला शामूल उसका 15 अध्याय का 10-11। बाप रे, देखा प्रियो, प्रभु ने चुना, प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने उसका मार्ग बताया, एक काम सौंपा, पर तो शाऊल उसमें नहीं बना रहा। प्रभु बोलता है मैं उसको चुनने से पछताता हूं, मेरे को बहुत दुख है, बोलता है प्रभु बहुत दुखी है। प्रियो आज हम लोग यदि बैठा हुआ किसी को देख करके प्रभु बोलेंगे अरे मैं इसको चुनने से मैं बहुत दुखी हूं, हमारे बारे में अगर प्रभु ऐसे बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? आप सोचो, आप क्या चाहता है मेरी और आपके बारे में, हम क्या सुनना चाहता है? अरे मैं इसको चुनने से मैं बहुत आनंदित हूं, ऐसे सुनना चाहता ना? हाँ प्रियो, आज आप थोड़ा परखो अपने दिल में प्रभु का क्या गवाही हो रहा है। प्रभु मुझसे आनंदित है या दुखी है? प्रभु मुझे ये दुनिया से अपने लिए अलग किया और प्रभु ने मुझे जो कहा मैं उन बातों को मानकर चलता है क्या? अभी हम लोगों के लिए कहने से बढ़कर प्रभु चलकर से कर दिया है। कैसे चलकर दिखाया? अभी इससे बढ़कर क्या चाहिए? है ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में क्लियर कट हमारे लिए कैसे चलना है, उसका आदर्श बनने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे समाज मनुष्य होकर के दुनिया में भेजा है ना। अभी आप पढ़िए पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 वचन, पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 वचन। देखा अभी भी बुलाए हुए लोग समझो, किसके लिए बुलाया गया? इसी के लिए, किसके लिए? हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। देखा इसका मतलब क्या होगा, ये जीवन में हमें दुख संकट आएगा। क्लियर बात, मसीह कैसे जीवन में जाया? परमेश्वर का पुत्र है ना, उसको दुख उठाने की क्या जरूरत है? परंतु वो दुख उठाने में सिद्ध बना। आप देखिए, और हमको भी प्रभु ने बोला तुम्हें भी दुनिया में दुख है, दुनिया में कष्ट है, परंतु हम लोग है ना प्रभु यीशु मसीह से भी बहुत बड़ा बुद्धिमान लोग हैं। हमको शॉर्टकट मारना बहुत अच्छा मालूम, कोई सिखाने की जरूरत नहीं। शायद हम लोग यीशु मसीह के दिनों में होता, कभी कभी पत्रों से चोट मारने का उपाय बोलता था। यीशु मसीह ने बोला अभी हम यरूशलेम में जाएगा, वो लोग पकड़ेगा, मारेगा, कूटेगा, सूली पर चढ़ाएगा और मरेगा। पत्रों से बोला ऐसा मत बोलो, मैं रास्ता बताता ना। हाँ देखो, इंसान का बुद्धि से आने वाला वो मार्ग परमेश्वर का सारा योजना को तोड़ देता है। इसलिए है ना कई प्रभु के दास लोगों का प्रार्थना सुनने के टाइम रोना आता है, क्योंकि प्रभु ने किसी को तरना दिया। प्रभु के दास को पूरा अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है? डांटो और वो वेदना को बढ़ाओ, प्रभु उसको डांटेगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझा? हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात तो प्रभु जाने में ना आया क्या? हम इस बात के लिए प्रार्थना कर सकता है प्रभु सफरिंग के लिए और भी अधिग्रह दे। जाओ कष्ट जाओ, चाहे तो उसको गिरा भी देंगे। प्रभु का मार्ग है क्या? नहीं भी, प्रभु का मार्ग नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, प्रभु अगर किसी को दुख देता है, ताड़ना देता है, उसको उस दुख में चलने का सामर्थ्य मांगना। ऋषि पौलुस ने भी अपना दुख बताया था, तो प्रभु ने क्या बोला? मेरे बेटे,
मेरा अनुग्रह दलील है, काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है। हमें क्या मांगना चाहिए? अनुग्रह। हम कहां जाना? कृपासन के निकट। कृपासन के निकट जाकर के रोज अनुग्रह मांगना अपनी है। हम लोग है ना, हमको दूसरा एक मार्ग नहीं, हमारा मार्ग यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़ करके और एक मार्ग को अपनाने के लिए कभी भी मन में विचार नहीं आना है। यीशु मसीह ने बोला ना, मार्ग में हूं। यीशु मसीह मार्ग बजाने वाला नहीं, वो स्वयं मार्ग है। इसका मतलब क्या है कि हम मसीह में बना रहेगा तो हमारा मार्ग एकदम सीधे। बहुत सुंदर बात है। हमारा मार्ग में शायद 18 भजन संहिता का 32 भजन में ऐसे कुछ शब्द है हमारा प्रभु मार्ग के बारे में, है ना? 18 भजन संहिता का देखा, मेरे मार्ग को सिद्ध करेगा प्रभु, हमारे मार्ग को सिद्ध करेगा। बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में प्रियो। आज वो मार्ग यीशु मसीह है, इसके आगे कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो यीशु मसीह अपना मार्ग बनकर रहेगा तो अपन विजयी लोग हैं, है ना। इसके अलावा एक मार्ग हमें नहीं छोड़ना, और यीशु मसीह ने हमें जो दिखाया वो मार्ग में हमें हमेशा कदम बढ़ाना है ना। अगर ऐसे हम चलते रहेगा कभी भी हम टॉकर नहीं खाएगा। देखो आज हमें आलोचना देने वाला बहुत लोग रहेगा, वो प्रभु की ओर से होना जरूरी नहीं। प्रभु की ओर से आलोचना है तो वो वजन के आधार में रहेगा, ऐसे नहीं है तो बिल्कुल वो हमें धोखा दे रहा है। ऐसा बात बहुत हम आगे देख सकते हैं, हमें विषय को जानना है। दूसरी बात है प्रभु का मार्ग के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो आज वो एक शब्द भी बहुत है, इतना जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभु को प्रेम करना। क्या करना? प्रभु को प्रेम करना। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमको इतना बड़ा प्रेम दिया है, वो प्रेम के सामने आज मैं प्रभु को कैसे प्रेम करता है, ये जानने जरूरी बात है। और प्रभु हमेशा हमसे मांगने वाले एक बात है, तो मुझे प्यार करता है क्या है? और वो कैसे प्यार होना चाहिए? अभी आपको मालूम है पत्रोस को प्रभु ने क्या पूछा था? सबसे बढ़कर ये बुझ पड़े हो, सबसे बढ़कर के मैं प्रभु को प्यार करता है क्या? ये प्रभु का माने सवाल है। हम प्रभु को प्यार करना है तो कैसे प्यार करना? सबसे बढ़कर जब योहन 21 का 15-17 तक का वचन में 3 बार प्रभु ये बात पूछता है ना। अभी प्रभु को मालूम है हम कितना प्यार करता है, लेकिन हमें भी ये बात तो यकीन करना है मैं प्रभु को वास्तव में कितना प्रेम करता है ना। प्रभु को मैं कितना प्रेम करता है? आपको मालूम है सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? प्रेम है ना। वजन में सबसे मुख्य आज्ञा प्रेम है। जब मरकोस उसका 12 अध्याय है उसका 30 वचन, वो प्रेम हमें कैसा प्रेम करना है उसमें पूर्ण 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 4 बार आया। देखिए पूर्ण परिपूर्ण है ना, वो 4 बार आया। आप पढ़िए, सारे मतलब हिंदी में सारे मन से, मतलब उसमें आधा नहीं, सारे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। देखा सारे 4 बार आया ना। हाँ, या एक प्रकार पूर्ण रूप मराठी में कैसे लिखा? संपूर्ण। हाँ वो शब्द संपूर्ण, 4 बार वो शब्द आया। इसका मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा भी वादा नहीं आना, उसमें थोड़ा भी वादा नहीं आना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी कुछ भी बात है प्रियो, पहली बात है ना हम लोग प्रभु का प्रेम पाया हुआ। प्रभु का प्रेम हमेशा का प्रेम है, संपूर्ण प्रेम है। वही प्रेम हमें प्रभु ने दिया और वही प्रेम हमको व्यापार करना, इसमें हम कहां तक बिजी होता है ये एक्चुअली जानने वाला बात है। आज भी मैं उस प्रभु का प्रेम पाया हुआ व्यक्ति है, मैं उस प्यार बांटने में मैं कहां तक सक्सेस बना? आप देखिए है ना, वो प्यार में मैं बना रह पाया क्या? वो प्यार में मैं हर एक काम कर पाया क्या? वो प्यार मुझ में से व्यवहार होता है क्या, ये जानना। अभी आपको मालूम है वो प्यार का 15 गुण प्रेरित पौलुस ने अच्छा रीति में हमें समझाया। देखिए प्यार से बढ़कर कोई बात है ही नहीं। वो प्यार का 15 गुण
15 गुण वो प्यार का, देखा वो प्यार हमारे भी कार्य होना है, प्रभु का प्यार है ना, प्रभु की आत्मा पाए वाले लोगों में आत्मा का फल क्या है, प्रेम है, आत्मा का फल प्रेम है, बाकी 8 बात उसके अंदर का गुण है और जो मेन बात प्रेम है। अभी वो प्रेम का खूबी पहला कुरिंथी उसका 13 अध्याय उसका 4-7 तक वजन में आपको सबको मालूम है। मैं और एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग भूल जाता है, 13 अध्याय का 4-7 तक का वजन में 15 बात लिखा है, 15 बात उसमें प्रेम क्या करता और प्रेम क्या नहीं करता ये दोनों बात मिलाकर 15 बात लिखा है, 15 बात लिखा है। एक बार थोड़ा मैंने ऐसा उसका व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, थोड़ा रुक रुक के पढ़ना, ये 15 एक ही देखो आप, देखा प्रेम धीरज बंद है, इसका मतलब क्या है कि थकता नहीं सहते रहता है। हमारा धीरज कैसा है, हम तो जेल दी, एक व्यक्ति ने हमको देख करके प्रेसोड़ भी नहीं किया तो हमारा धीरज खत्म, फिर उनके ऊपर दोष लगाने के लिए हमको थोड़ा देर नहीं लगता, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रेम धीरज बंद है, ठीक है उसने नहीं देखा होगा, नहीं तो हो सकता है उसको और कोई टेंशन में होगा, ना बोलो, लेकिन अपने को गलत सोचना चाहिए नहीं। प्रेम हम लोग कभी भी है ना कुछ भी थोड़ा भी सहने के लिए तैयार नहीं, थोड़ा भी सहने के लिए तैयार नहीं, प्रेम धीरज बंद है, कृपालु है, दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी बनाई नहीं देता, ये भी एक बड़ी बात है ना, अपनी बनाई नहीं चाहता, देखो दूसरी की बनाई क्या है, हाँ झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं, कई लोग बोलता है ना मेरे को बुरा लगा, ओ उसका मतलब क्या है कि वो मसीह के प्रेम में नहीं था, एक प्रकार सीधा बोलेगा तो आत्मा में नहीं था। कई बार लोग बोलते हैं हमको बुरा लगा भाई, मेरे को विश्वासी लोग कई बार मैं उससे भी बोला प्रभु इनको आपका प्रेम में रहने के लिए सिखाओ, देखा बुरा नहीं मानता भाई, कोई भी किसी ने भी कुछ ऐसे भी कुछ किया अपन बुरा नहीं मानता भाई, आनंदित नहीं होता, देखा है आज कई लोग है ना ऐसे बातों से आनंद लेते हैं, उसमें कौन सा आत्मा काम कर रहा है प्रभु को मानो, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। देखो अभी ये सारे बात लिख करके अपने आप को पूछना, मेरे अंदर ये गुण है क्या, मैं प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम तो मतलब आत्मा का फल बोलने के लिए हम बहुत तेज है, पर जो वो प्रेम क्या करता क्या नहीं करता वो बात को परखता नहीं। प्रियो सबसे बड़ी बात है उसका 13 वचन में क्या लिखा, देखा सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है, आप देखो प्रियो सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, हमारे प्रभु प्रेम है, हमारे प्रभु प्रेम है, तो प्रेम में जो रहता है वो प्रभु में रहता, ये भी एक बड़ी बात है ना, अगर हम प्रेम में नहीं रहता तो हम प्रभु में नहीं रहता, ओ कितना अनोखा बात है, प्रभु प्रेम में, जो प्रेम में रहता वो प्रभु में रहता। हम लोगों ने पिछले दिन में भी पढ़ा था बाला योग ना 4:16 है ना, मतलब बार बार समझने वाला बात है प्रियो, हम लोग अभी प्रभु को उस में बैठा अभी भी हम प्रेम में नहीं है तो हम प्रभु में नहीं, हम प्रभु में नहीं है ना, सुसमाचार 15:9-10 भी हमने कल देखा था है ना, पिता में पुत्र रहने का पीछे आधार प्रेम था और हम भी प्रभु में बना रहने का आधार प्रेम है, देखा है ना, प्रेम बहुत बड़ी बात है प्रेम, इसलिए ये जो प्रेम जो शब्द को हमें ठीक से जानना चाहिए, क्योंकि हम अभी यहां तक आया प्रभु का प्रेम खींच कर लाया कि नहीं, प्रभु का प्रेम खींच कर लाया, ऐसा एक गवाही रहेगा तो आप भाग्यवान,
आप यहां पर आया, प्रभु का प्रेम आपको खींच कर लाया है, तो आपको प्रतिबल है, प्रतिबल है। जब पहला कुरिंदी 13 अध्याय का 3 वचन में वो लिखा है, जो प्रेम में नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। बड़े बड़े काम किया, लोगों के सामने बहुत तारीफ मिलेगा, परंतु आपने वो काम, सोर्स प्रेम नहीं था, सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला दिखावा था। प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं, अनंतता में कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए हरेक बातों में वही पहला कुरिन्थियों 16:14 में लिखा है, तुम सारे काम कैसे करना? प्रेम से करो। एक ग्लास पानी भी पिलाएगा, एक हंसते हुए खुशी के साथ पिलाओ। बाप रे, वो पानी ऐसा पी सकता है मानो कूल ड्रिंक्स ही सब, है ना, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स मिला, ऐसा हो जाएगा। वो प्रेम में दिया है तो, खुशी से दिया है तो, बाप रे। इसलिए प्रभु चाहता है मानो प्रभु को, जो प्रभु को प्यार करेगा वही एक काम कर सकता है। हमें प्रभु के लिए जो भी काम करेगा कैसे करना? प्रेम में कर, ये प्रभु के चाहते भी, केवल उसका ही हमें सम्मान मिलने वाला है। ओके, अगला बात क्या है? प्रभु का सेवा करना, कैसे करना? पूरे हृदय से, पूरी मन से। ये भी एक बड़ी बात है भाई, हम जो भी भक्ति करता है, और हम कई बार कई काम जो लोग करता है वो सिर्फ इंसान के सामने, इंसान के सामने धर्मी बनाने के लिए, दिखाने के लिए करता है ना। कई लोग मतलब बोलता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा, बाइबल पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? प्रभु का दास आएगा पूछेगा तो बोलने के लिए पढ़ा है, किसने पढ़ा? अरे नहीं तो 10 चैप्टर पढ़ता था ना, टाइम था ना, टाइम था, लेकिन एक चैप्टर पढ़ा, क्योंकि आखिर एक चैप्टर भी कम से कम पढ़ने के लिए प्रभु का दास बोला था, प्रभु का दास के लिए पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, टाइम मिला था लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा, एक चैप्टर में रुक गया। बात क्या हो गया? प्रभु का दास खुश हो गया, ओ कम से कम एक चैप्टर पढ़ा। लेकिन गलातियों 1:10 में क्या लिखा है? गलातियों 1:10 आपको उसका ओ मतलब उसका मतलब गलत तो बात क्या है आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। ओ देखा प्रियो, मैं अगर ऐसा काम कर रहा है तो मैं मसीह का दास नहीं, मतलब मसीह का जन नहीं। प्रियो, हम दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया में हम धर्मी है करके हमें बाकी लोगों का सर्टिफिकेट के लिए ऐसा मत करो प्रियो, ऐसा मत करो है? प्रभु का दास कितना भी शाबाशी देगा तो भी हमें स्वर्ग में कुछ भी उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा है? हमारा पूरा जीवन को, जिंदगी को, दिल को, हमारे अवस्था को जानने वाला प्रभु का दृष्टि में। इसलिए है ना, एक बात मतलब जब दाविद प्रभु को मतलब जाना, वो दाविद प्रभु का इच्छा जान करके जीवन बिताया, दाविद अपना बेटा सलमोन को एक सदुपदेश देता है। वो क्या था मालूम है? आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा वचन है, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन। देखा, पहली बात है बेटे को समझा रहा है, पिता ने जिस परमेश्वर का सेवा किया वो बेटे को मालूम, उस परमेश्वर का तुम ज्ञान देखना, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो। देखा, उसका सेवा कैसे करना पियो? खरे मन और प्रसन्न जीव से। देखो बहुत बड़ी बात है पियो, हम लोग कुड़कुड़ाते हुए कभी नहीं करना। आजकल लोगों को क्या लगता है? अरे क्या है, रोज मीटिंग, नहीं गया तो फिर प्रभु का दास भी चलेगा। कभी कभी मुझे भी लगता है कि लोगों का ऐसा खाने वाला श्राव मुझ पर तो नहीं आएगा है, क्योंकि मैंने लोगों को परेशान किया। लेकिन प्रभु का वचन कहा नहीं, पर मंडली रोज संगति करता था है, और मैं उसमें आनंद थे है। इसलिए प्रभु के लिए कोई कष्ट सकता है तो कोई कुड़कुड़ाएगा तभी कोई बात नहीं, उसका कुड़कुड़ाहट को हटाने के लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन अब यहां पर दाऊद अपना बेटा सलमोन को बताने वाला बात कितना अच्छा है, कितना अच्छा आदर्श है। मैं कई बार मैं अपना पत्नी और बच्चे को ग्रेस को मैं बताता हूँ, तो अब तुम लोग है ना अपना बेटी को बोलता हूँ, अपना पति जिस प्रभु को सेवा करता है उसका सेवा करो। मैं ग्रेस को बोलता हूँ तो अपना पिताजी जो प्रभु का सेवा करता है कैसा काम करता है तो देखो छिखो ऐसा करो। प्रियो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है, अपन अपने जीवन में वो काम को करके उनको समझाना अपना काम है। अभी दाऊद ने ऐसा शर्मन को बताया, इवन अब मालूम है प्रभु ने भी शर्मन से क्या मांग किया था। प्रभु ने अभी वही बात है, शर्मन जो दाऊद ने शर्मन को बताया वो बात प्रभु का दृष्टि में भी मूल्यवान था। जब बारह राजा में परमेश्वर ने शर्मन को क्या बोला, उसका नौ अध्याय का 4 बजे, देखा यदि तू अपना पिता दाऊद के समान वंदी कराई और सिदाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहेगा तो तेरा जरूर आशीर्वाद होगा। देखा बात समझा, इतना अच्छा बात है प्रियो, क्योंकि दाऊद ने सलमोन को बताया वो बात स्वर्ग कबूल किया और स्वर्ग भी मारा वही डिमांड देगा, दाऊद मेरा सेवा कैसा किया, कितना बड़ी बात है ना। आज हम प्रभु की किस प्रकार सेवा कर रहा है, स्वर्ग क्या गवाही देता है, वो बात हमें सुनने का है, वो बात हमें सुनना भी। प्रभु अपनी सेवा के बारे में क्या गवाही देता है, इसलिए प्रभु का सेवा पूर्ण दिल के साथ प्रियो एक अच्छा मतलब उत्साह के साथ हमें प्रभु का सेवा करना। जो भी प्रभु का सेवा करता है आलसी मन से करेगा तो श्रापित है, उत्साह से करना प्रियो। आखिरी में पांचों बात प्रभु क्या चाहता, उसका आज्ञाओं को मानना। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने जो भी पुराने नियम में 613 आज्ञा दिया है नए नियम में तो कोई गिनती नहीं, सारा वचन में मानना है, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जब वो वचन मानता था, जब आपको मालूम है जो साधारण दीदी में आशीष की बात बोलने पर लोगों को तुरंत याद आने वाला एक अध्याय है 28 अध्याय, कौन सा व्यवस्था वर्ण 28 अध्याय, पूरा नहीं पढ़ना लेकिन एक दो बजे पढ़ना। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अभी बाकी आगे आप 13 वचन तक पढ़ेगा तो बहुत बड़े बड़े वायदा दिया है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु का वचन को मानना, प्रभु की आज्ञाओं में चलना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है नया नियम में आकर के यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश बोलने के बाद में देखिए प्रभु ने हमें क्या बनाया, प्रभु ने हमें जगत के लिए मरा नमक बनाया और जगत का ज्योति बनाया। ये नमकीन होना है तो वहां पर जो 5 अध्याय का 3 से 12 तक बजाय वो बात हमारे अंदर होना चाहिए। ये जो भी हमारे अंदर होना है तो उस 5 अध्याय का 3 से 12 तक बजाय वो बात हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ एक दीपट होकर के रहेगा परंतु उसमें मन रोशनी नहीं रहेगा। दीपट है परंतु रोशनी नहीं तो क्या फायदा है, इसका मतलब हमारे अंदर वो गुण हमारे में चाहिए है ना। आज वो गुण मुझ में है क्या, अब देखिए कौन स्वर्गराज में प्रवेश करेगा, कौन परमेश्वर का संतान है, वो एक एक बात उसका नौ वचन थोड़ा पाएंगे 5 का 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा कौन, मेल कराने वाला। आज हमें मिला वो सेवक कौन सा है, हाँ दूसरा कोई नहीं, 5 अध्याय का 20 वचन, इसलिए हम यसी के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखा मेल मिलाव कर लो बोले का मतलब पाप क्षमा पालो, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग आज भी ये संदेश सुनता है परंतु प्रभु के साथ मेल खाने के लिए तैयार नहीं,
बोलने का अर्थ प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है ना। कितना दुख भरा बात है प्रिय, आपको मालूम है आज कोई भी लोग अगर नर्क में जाता है तो वो उसका पाप का कारण नहीं जाता, फिर किस कारण जाता है? हैं? वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के कारण जाता है। वही तो सबसे बड़ा पाप है, उस पाप का क्षमा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं आज भी जो लोग अभी इधर ही बैठा हुआ, जिसने अगर उधार नहीं पाया ना, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके नहीं स्वीकारा ना, आप प्रभु की दृष्टि में नंबर वन पापी है और आपका इस पाप को क्षमा कभी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है एक ही पाप है जिसका क्षमा नहीं, वो है यीशु मसीह को ना स्वीकारना। क्या है? यीशु मसीह को ना स्वीकारना, क्योंकि यीशु मसीह को ना स्वीकारा तो फिर उसको बचने के लिए कोई मार्ग ही नहीं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को देख करके हमको, मतलब वो मती के सुसमाचार 12 अध्याय में ना वो ऐसा पाप के बारे में बोला है ना, बोल सकते मती 12 अध्याय का 31-32 आपको ये बात समझ में आया है? पवित्र आत्मा किसके बारे में बोलेगा? देखो क्लियर बात है, पवित्र आत्मा के खिलाफ का कई लोग है ना, ये जो मतलब एक झूठ लोग, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो बोलता है अन्यवादों के खिलाफ में बोलेगा तो कभी भी माफ नहीं मिलेगा। अरे अन्यवादों का बात ही नहीं बोली है, वो बात ही नहीं है यहां पर जो बोला वो बात है, और वो भी एक भाषा है ना। भाषा का अर्थ क्या है? मेरे अंदर जो भी बात है आपको बांटना, उसके लिए भाषा है। वो लोग जो बोलते हैं उसको भाषा बोलते हैं क्या? बुड़ 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 बोलते हैं भाई। अरे वो दुनिया को कोई भाषा ही नहीं भाई, भाषा का अर्थ भी नहीं जानते वो लोग है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। एक एक क्लास तो मैं तैयार कर रहा हूँ, मतलब आपको अच्छी तरह को देगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज लोग क्या क्या बातों को पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप बोलते हैं। पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन सुनने के समय में आत्मा लोगों का दिल से बात करता है, तभी भी लोग दिल प्रभु को नहीं रहता, वो है परमेश्वर कभी भी क्षमा ना करने वाला पाप। समझ में आया? तो पवित्र आत्मा किसके बारे में बोलता? योहन्ना 16 अध्याय का 14-15 वचन, कौन महिमा करेगा? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। हाँ देखा, पवित्र आत्मा ये बात आपका दिल में समझ देने के बावजूद भी आप नहीं मानता, वो पाप फिर कभी भी क्षमा नहीं होता। ओके, आपको समझ में आ गया, प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियो यहां पर ये बात पांच बात था, क्योंकि प्रभु हमसे मांगता था। सरली में समझ में आया होगा, इसको ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। और एक बात मैं आपको जल्दी बता करके, प्रभु हम हमारे जीवन में क्या देखता है वो एक खूबी का बात भी, मतलब जेरेमिया नबी की किताब उसका 5 अध्याय का 3 वचन का शुरुआत, जेरेमिया उसका 5 अध्याय का 3 वचन का शुरुआत। बस बस मतलब मराठी में पढ़ेंगे, जेरेमिया 5 का 3 उसका शुरुआत। प्रभु का आगे विश्वास योग्य लोगों पर लगी है ना, वहां पर आना चाहिए, मतलब विश्वास योग्य लोग है ना, फेथफुल विश्वास योग्य लोगों पर लगी है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रियो अभी हम कहां तक प्रभु में विश्वास योग्य जीवन बिताता है, ये बात बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य है, हर बात में विश्वास योग्य है।
उसका नाम ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारा भी जीवन में हम विश्वास योग्य रहना, ये प्रभु कही चाहे विश्वास योग्य रहना। भी हम लोग जो भी वजन पाता है वो वजन में भी विश्वास योग्य रहना। यरेमिया में एक वजन है, यरेमिया उसका 23 अध्याय में ना, 23 का 28 होगा। मतलब विश्वास योग्य होकर सुनाए। अमर सभा आपका उसमें है ना, हाँ इंग्लिश में। मतलब मैं आपको बताने का अर्थ क्या है कि वो विश्वास योग्य होकर के वो वजन को सुनाए। मतलब उस वजन में कोई तोड़ मोड़ ना करे, उस वजन में कुछ बढ़ाए ना। आज का मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज बहुत से बातों में लोगों को मानव वजन का सच्चा ज्ञान नहीं। अभी हमारा मानव बाइबल में मलयालम में लिखा है यौवन का भोजन क्या था, वो टिट्टी और मधु। ये टिट्टी बोल करके हमारा मलयालम में एक बच्ची है, तो लोगों ने क्या सिखाया, टिट्टी बोलेगा तो बच्ची खाता था और मधु पीता था। एक छोटा बच्ची है, आप लोगों को मतलब पिटिकली मतलब वो एक पक्षी का नाम है, पर वो पक्षी नहीं, वो एक जंगल का एक जो टोपिया का जो फल होता ना, वो मिट्टी के नीचे जैसे इवन आलू वाला भी नीचे होता ना, ऐसे एक फल ले वो जैसे अभी कुछ फल रहता है मीठा रहता है, मीठा फल ऐसे एक मीठा फल ले वो मतलब इसराइल में बहुत मिलता है, उसके बारे में लिखा। पर तो अभी मतलब जिसको सिर्फ मलयालम मालूम है वो लोगों को क्या बोला, योना क्या कहता था, वो चिट्ठी कहता था और मधु चिट्ठी पकड़ने के लिए योना कहा भागता था और पकड़ में आएगा क्या। इधर भी छोटा चिट्ठी होता ना, चिड़िया छोटा चिट्ठी, वो चिड़िया को पकड़ सकता है क्या उड़ने वाला, नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। मतलब लोग ऐसे सिखाता था, मतलब उसका सच्चाई ने आप मालूम करके, इसलिए मतलब वजन को ठीक से जानना बहुत जरूरी बात है। एक बात बदल गए, कॉमन सेंस चाहिए ना, थोड़ा सोचना चाहिए ना। योगना का भोजन ऐसे ही क्या, वो चिड़ियों को पढ़ करता था क्या, नहीं नहीं नहीं, वो लोगों ने नहीं जाना। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि इसी प्रकार अभी हमें प्रभु का वजन जो है वो वजन को हमें सही रीति में उसका सही अर्थ प्रभु जो बताया है उसी मतलब प्रभु ने जो बताया वो उस अर्थ में सिखाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए ना प्रभु का सेवकों के बारे में प्रभु क्या चाहता था, जब पहला कुरिंदी उसका 4 अध्याय का 1-2 वचन, पहला कुरिंदी 4 अध्याय का 1-2 वचन, भंडारी में ये बात देखी जाती है। हाँ देखा, फिर वो शब्द आया चाहिए हरे देव का, वो विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य होना चाहिए, वो विश्वास योग्य रीति में प्रभु का वचन को लोगों को देना चाहिए। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, प्रभु इसलिए विश्वास योग्य लोग आजकल आपको मालूम है सेवा के लिए लोगों को प्रभु को लोगों को जरूरत है, लेकिन लोग नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु किसको ढूंढता है, विश्वास योग्य। अब ये बात खास बात है ना, मतलब प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में एक गवाही के शब्द आपको याद है, पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन, देखा मतलब प्रभु ने 10 साल पौलुस को परखा, बुलाने के बाद में 10 साल प्रभु ने परखा उसका जीवन में वो विश्वास योग्य है कि नहीं परखा, और वो विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने प्रभु का सेवा के लिए मतलब 13 अध्याय में माना 2-3 वचन के अनुसार प्रभु ने अनेक करके पवित्र आत्मा ने और उस और बरनबास को भेजा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत खास बात है ये, बात पर आपको थोड़ा प्रकाश दे रहा है बहुत जरूरी बात है। इसलिए आज अभी मैं अभी ज्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया ना, हाँ मतलब इसलिए अभी यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। कल बाकी आपको खास खास बात है, एक्चुअली बहुत बोलने की इच्छा है, लेकिन फिर आप लोग ज्यादा टाइम हो गया तो कोई पाप कर सकता है।
है, बेल ब्रेक नहीं, टाइमिंग नहीं, ऐसा नहीं। विचार में आपका विचार को भी न्याय करेगा, इसलिए आप ऐसा भी पाप नहीं करना चाहिए, करके चाहता है इसलिए बोलने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग सोच सोच में पाप कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमें सुनने वाला वचन को सही रीति में एक दूसरे को बताना, समझाना, क्योंकि प्रभु बोलो बोलता है हम उस वचन में मिलावट नहीं किया, प्रभु की उपस्थिति जान करके हम प्रभु यीशु मसीह में बोलते। प्रियो, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह में बोलना और वो सच सच बोलना, उसको सही रीति में, उसका सही प्रकार का अर्थ हमें समझाना जरूरी बात है। तो मैं प्रभु धन्यवाद देता है, आज भी जो प्रभु ने हमें बताया हरी बात, प्रभु हमसे जो मांगता था, हमने कल भी देखा था तीन बात, लेकिन आज हमने पांच बात को देखा और चटो बात हम देख रहा था विश्वासियों के लिए नहीं चाहिए। प्रियो, ये बात ना, प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, प्रभु की सेवा तन मन से करना चाहिए और प्रभु का आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये पांच बात हमने उस अनुवाद 10-12 तेरह में से देखा और जेरेमिया में वो बोलता है मुझे मेरे लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। अनेक बातों में प्रभु हमारे में विश्वास योग्यता, आपको बपतिस्मा देने के टाइम भी प्रभु दास ने दोनों हाथ सिर पर रख करके एक आशीर्वाद दिया था मृत्यु तक, है ना। कुछ दिन पहले जोई का बपतिस्मा हुआ, जोई क्या सुना आखिरी में, आखिरी में क्या बोला था प्रभु दास ने आपके सिर पर हाथ रख करके, याद है? नहीं है ना। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, क्या बोला? मृत्यु तक, ये जिंदगी भर विश्वासी रहना, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा हो। आइए।